मैं फिर हाजिर हो गई हूँ अपने इसी जैकेट के साथ <laughs> पहले मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ बोलेंगे कि इसी जैकेट में घूमती रहती है बट मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में क्लियर कर दिया था कि ये जैकेट आपको बहुत देखने को मिलेगा इसलिए देखते रहिए मैं चेंज नहीं करूँगी बट मैंने ऑयलिंग कर दी है सर की तो मैंने देखो गुत करने की कोशिश की लेकिन यहाँ से उल्टा किया और यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं ये वाला उल्टा कर दिया ये सीधा कर दिया एक उल्टा एक सीधा पीछे से देखो घुमा दिए आप लग रही हूं ना मैं गोल पैदा ही गोल हुई थी <laughs> लोगों के बच्चे गोल पैदा होते हैं फिर शेप लेते मेरा मैं पैदा हुई गोल और मैं गोल ही गई जिंदगी भर <laughs> कैसा लगा मेरा मजाक अच्छा तो मैं क्या बनवा ली थी तो मुझे हाँ तो मैं घर पे ही हूँ और यहाँ इतनी बारिश हो रही है बारिश हो रही है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ और मैं क्या करूँ अंदर बैठ के मैं क्या करूँ फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ मेरे पास है एल्बम्स मतलब हमारे फैमिली एल्बम्स तो मैं आपको अपना फैमिली एल्बम दिखाऊंगी आज है ना अच्छा टाइम पास हो जाएगा मेरा भी और आप लोगों का भी तो देख चलो एल्बम देखते हैं और मेरे एल्बम से आप लोगों को मैं अपने पता नहीं मेरे सब सारे रिश्तेदार होंगे कि नहीं सब बुआओं से मिलाऊंगी स्पेशली मेरी बुआएं स्पेशली आती है ना तो आपको एक्चुअल में मेरे फैमिली ट्री के बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा पिक्चर्स को दिखाने से पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ तो फैमिली मैं अपने फैमिली ट्री के बारे में बताती हूँ पहले आपको आपको मज़ा आएगा सुनने में क्योंकि मेरी फैमिली ट्री में जो मेरे दादी और परदादा परदादा परदादी परदादी की फ़ोटो मेरे पास मैं आपको अपनी परदादी की फ़ोटो दिखाऊंगी रुक जा थोड़ी अच्छी थोड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है बट स्टिल बहुत प्यारे है। देखिए है। पता नहीं साफ आ रहा होगा कि नहीं तो ये रही मेरी प्यारी प्यारी परदादी जिनको मैंने नहीं देखा बट मेरी दीदी ने देखा है तो मेरी जो परदादी और परदादा थे, उनके छः लड़के और एक लड़की थी बस। छः लड़के मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हम्म। खगनाल देते थे, मेरे देते थे। अह? है? सात देते थे? ये क्या काउंट कर रही हूँ मैं? खगनाल देते थे, मेरे देते एक को देते थे दो देते थे एक नंबर देते थे 50 देते थे ए क्या काउंट कर रही हूं मैं कटिंग कितना देते थे मेरे थे एक देते थे 40 देते थे 3 नंबर देते मैं मैं सात सात सॉरी मुझे खुद को भी नहीं सात दे <laughs> सात देते हैं ठीक है तो सात देते में से सात देते हैं और एक सात दादाजी हैं और एक दादी जी हैं भाई बहन तभी मैं तभी करके जो मेरी हमारी फैमिली ट्री है ना जो मेरे दादाजी साइड से जो मतलब मेरे दादाजी वगैरह हैं वो बहुत सारे छः सात भाई बहन हैं उनमें से भी एक जो तेते हैं तेते हैं जिनको मैं मैं बोलती हूँ वो लामा है तो बाक़ी सब तहते के बच्चे बच्चे जो हैं अपने अपने जगह में सेटल्ड हैं अलग अलग जगह उन तहते उनके भी बच्चे जो हैं मोस्टली लड़के हैं मोस्टली लड़के हैं नहीं मतलब रिश्व बराबर ही होगा क्योंकि बुआएं भी मेरी काफ़ी है मतलब मेरी ग्यारह बारह बुआएं अगर मैं इन सारे दादाओं को काउंट करूंगी तो मेरे बारह कर बुआ हैं और चाचा मेरे पापा सबसे बड़े थे तो मेरे चाचा एक दो तीन चार पाँच छः के साथ मेरे चाचा हैं हाँ तो बस अब मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ इतना बताने के बाद तो दर्शकगण ये रहा एल्बम तो ऐसे ऐसे दो और एल्बम हैं और छोटे छोटे तो बहुत सारे एल्बम हैं तो ये इसलिए क्योंकि मेरे पापा को बहुत ही फोटो खींचने का बहुत ही शौक था तो इस कारण से ये एल्बम्स हमारे पास है इतने सारे एल्बम्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं बट इसमें मोस्टली फैमिली फोटोज इसमें हैं तो इसी एल्बम को मैं आपको दिखाऊंगी और अगर आपको बाकी एल्बम्स भी देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपको बाकी एल्बम्स भी दिखाऊंगी तो फिलहाल अभी इस फैमिली एल्बम को देखते हैं आइए पास आइए यहां से अब मैं दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी पता नहीं बट एल्बम जरूर दिखेगा आपको तो दर्शक गण आपको मैं तो दिख नहीं रही होंगी मेरे हाथ दिख रहे होंगे मैं इधर हूं और ये रहा एल्बम तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी बट तो एल्बम स्टार्ट करते हैं पहले तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा वैसे तो हमारे फैमिली ही दिए ज़्यादातर तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्बम की कंडीशन में मत जाइएगा बहुत ही पुराना एल्बम है क्योंकि ये तो एल्बम की स्टार्टिंग हुई है हमारे दार्जिलिंग से पहले सेंटर में देखिए ये रहे पापा ये रही मम्मी मेरी मम्मी देखो कितनी छोटी थी और मेरी मम्मी भी कि एक टाइम पे गोल मटोल हुआ करती थी तो अब इसको पास से कैसे दिखाऊँ मैं दिख रहा है आपको हाँ ऐसे रखती हूँ देखिए है ना गोल मटोल तो ये रही मम्मी पापा और ये मेरे मनाली दादी की बहन है और ये जो भी बाकी फोटोज़ हैं ये रही दार्जिलिंग की फोटोज हमारी तो इसके बारे में अब मैं आपको ब्रीफली हम एक टाइम पे दार्जिलिंग में रहा करते थे तो उसके फ़ोटोज़ हैं ये फैमिली फ़ोटो है ये ये भी आप टैग कर सकते हैं ये हमारे गाड़ी में, में गार साइड के में में दोनों हैं तो ये उस टाइम पे दार्जिलिंग में हुआ करते थे और ये हमारे दार्जिलिंग के पड़ोसी या ये मैं मेरी दीदी ये देखिए मैं छोटे में ये मम्मी और दीदी ये दीदी है छोटे में और यहाँ देखिए मैं कैसे दिखाऊँ ये फूल आ रहा है नहीं आ रहा है आ रहा है, आ रहा है आ रहा है ना ये देखिए मैं और मम्मी सेम सूट पहन के और ये काठमंडू का है नेपाल का ये दार ये भी नेपाल के फ़ोटोज़ हैं ये नेपाल के फ़ोटोज़ हैं और अगर कुछ रह रहा होगा तो प्लीज कोई दिख रहा होगा आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं आप आपके कोई जानने वाले हो तो तो ये रहा फैमिली फ़ोटो तो ये शायद उस टाइम की फ़ोटो है जब रुकना एक मिनट ये उस टाइम की फ़ोटो है जब मेरे पापा एवरेस्ट चढ़ के आए थे और एवरेस्ट चढ़ के घर में पार्टी हुई थी तो मेरे पापा अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया था ट्वाइस दो बार तो उसकी भी अलग से स्टोरी अगर आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा मैं ज़रूर बताऊँगी क्योंकि पापा की स्टोरीज तो नेवर एंडिंग स्टोरीज़ है उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी आप कमेंट करके बताइएगा तो ये उस टाइम की पार्टी है ये गोजांग में हमारे गांव में है ये मेरी मम्मी रही ये मेरी बुआ रही बड़ी बुआ कारदंगाओं वाली आपने देखा होगा ये वाली बुआ शाइन मार रहा है ये क्या ऐसे ही रखूँ है ना ऐसी रखती हूँ क्लियर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा अब प्लीज़ आप देख लीजिएगा तो ये पार्टी हो रही है। ये हमारी एक अभी थी मेरे जो दादाजी है ना उनकी मेरे जो दादाजी हैं उनकी बुआ ये चोमो थे ये अभी तो मुझे बहुत प्यार करते थे ये और ये रहे गांव के लोग ये गांव के लोग हैं आप में से कोई जानता होगा कमेंट कीजिएगा अगर आप देख रहे हो ये मेरे मनाली वाले चाचू है जिनको आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा बचपन का फोटो उनके ये मम्मी है त्रिलोकनाथ में और ये हम वापस पहुंच गए हैं नेपाल नेपाल ये मैं छोटे में मैं हूँ ये पापा है मैं पापा मम्मी ये मेरे मामू हैं मामू आप व्लॉग देख रहे हो ना देखो आप तो ये मैं फिर से छोटे में और ये मेरी मम्मी मैं कोई मुझे पूछता है ना मेरे बाल क्यों लंबे यहाँ देखिए मेरी मम्मी के बाल भी बहुत लंबे हुआ करते थे एक टाइम पे और ये देखिए मैं फिर से देखिए मैं बहुत शरारती थी शरारती बच्चा थी बहुत मैं बहुत ज़्यादा ये देखिए मैं हूँ ये देखो मुझे बट, बट मुझे बहुत पढ़ाया जाता था छोटे में मुझे ये बताया था कि जब मेरा एडमिशन लिया था तो मुझे उस टाइम पे ए टू जेड वन टू थ्री सब कुछ पहले से ही आता था ये मैं हूँ अगेन वही है वही फ़ोटोज़ है दार्जिलिंग के फ़ोटोज़ है ये दार्जिलिंग के फ़ोटोज़ ये मैं हूँ फिर से मामू ये हम हैं ये ये दिक्की डोलमा हैं आंटी हैं में से अगर कोई एवरेस्ट के बारे में जानता होगा तो इनको ज़रूर जानते होंगे दिक्की डोलमा आपने नाम सुना होगा एवरेस्ट में चढ़ने वाली फर्स्ट हिमाचली वुमेन और मम्मी हैं ये दीदी है टुट्टू <laughs> की मम्मी है ये जब खुद ही टुट्टु हुआ करती थी कुशु की मम्मी है जब खुद खुशब हुआ करती देखो कितने काजल लगाया हुआ है पापा हैं छोटे में ये मैं हूँ फिर नेपाल के फ़ोटोज़ ये नेपाल के हैं फिर से यहाँ देखिए मैं और दीदी नेपाली ड्रेस में मेमोरीज है मेमोरीज ये निचले फ्लोर का है जब हम लोग यहाँ निचला फ्लोर बना था तो ये कुंता ने साथ में कुंता ने भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे देखते होंगे बीच बीच में तो अने ये आप हो अगर आपको पहुंचे यहाँ देखिए मैं दीदी मम्मी के पास तटके मैं तरह मम्मी की पूंछ थी मैं एक टाइम पे और ये पापा है मेरे खिलौने ठीक कर रहे हैं ये देखिए हम फैमिली फ़ोटो के ये तो हम बच्चों की फ़ोटो ज़्यादातर मैं और दीदी दीदी और मैं स्कूल के लिए जाने के लिए रेडी हो रही है मैं हूँ कुंता ने अने ये मेरी गोजरा वाली ने हैं सिसु सेशन सिसु, में शादी हुई इनकी ये है हमारी प्यारी इंदिरा दीदी ये दीदी इन दीदी के लिए इन दीदी को स्पेशली दार्जिलिंग से लाया गया था आ, हेल्प के लिए हे, हेल्पर थी हमारी बहुत प्यारी थी इतना चावल चोरी करके खाती थी पता नहीं इनके पास कभी मेरा ब्लॉग पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बट इन्होंने मतलब इनको बचपन में लाया गया था ये देखिए मैं छोटी सी क्यूट थी यहाँ पे ये मैं हूँ मुझे ड्राइंग के लिए आप लोग ये मुझे ना फर्स्ट टाइम जो मुझे ड्राइंग के लिए फर्स्ट क्लास में फर्स्ट की सेकेंड क्लास में मुझे ड्राइंग के लिए फर्स्ट टाइम ट्रॉफी मिली थी तो वो ये और उस टाइम मेरे दांत सामने के दो दांत अगर आप ध्यान से देख पाओगे पता नहीं क्लियरिटी रहेगा कि नहीं तो मेरे फर्स्ट दो दांत टूटे हुए थे और मेरे जीभ निकला था <laughs> मैं ट्रॉफी ले दी और जीभ निकला था और मुझे अभी भी याद है जब मुझे ये ट्रॉफी मिला था और मैं हंसी थी तो सारे मेरे को देख के हंस रहे थे क्योंकि मेरे जीव सेंटर से निकला हुआ था <laughs> ये आई फैमिली फ़ोटो ये देखो जब पापा पहुंच गए थे जब घर पहुंचे थे ना तो ये स्वागत किया था मतलब तो ये पुराने पिक्चर्स है देखो कितने पुराने पिक्चर्स हैं इसमें ये सेंटर में मेरे पापा रहे ये एक दर्जे देते हैं मेरे रियल दादा जो मेरे पापा के पापा हैं वो ये मेरे रियल दादा है ये दौरजे देते थे, थे ये बहुत ही प्यारे होते थे बहुत ही अच्छे दादा थे और ये गांव के हैं गांव के हैं ये मेरी आपा की बहन है ये यंकपियापा है ये रोक सापा है अगर आप लोग देख रहे हो ना आपके बच्चे अगर आपके देख रहे हैं तो अपने आपा को जरूर दिखाइएगा योरक्स आपा ये मेरी मनाली आपा है ये अंक पिताते हैं ये ये म्यू आने हैं यूरोक्स आंटी है आप लोग देखिए मेरी आने मनालिया ने देखो गाय गढ़ मनालिया ने मनालिया ने ये यहाँ देखो मनालिया ने <laughs> मनालिया ने मेरी आपा है ये मेरी दादी ये मेरी मनाली वाली दादी और ये थरबस आने है मेरी एक और आने ये पहले के पिक्चर्स हैं और ये रहा पापा के दार्जिलिंग के फोटोज ये भी दार्जिलिंग की और ये हमारा स्कूल का देखिए इसमें भी मैं सेंटर में हूँ यहाँ देखो हद है इतनी छोटी थी मैं हाइट में और ये रहा दीदी दीदी यहां रही दीदी भी सेकंड नंबर पे या तो इधर से सेकंड है या तो इधर से सेकंड है हर जगह बाकी और ये रही ये हुआ हमारा एल्बम खत्म तो दर्शक गण ये रहा एल्बम शॉर्ट शॉर्ट में आपको आप बताइएगा ज़रूर कि एल्बम कैसा लगा और अगर आपको बाकी एल्बम भी देखना है मेरे दूसरे एल्बम्स भी देखना है तो कमेंट करके बताइएगा मैं बाकी एल्बम्स भी दिखाऊंगी और भी एल्बम्स है बहुत सारे एल्बम्स है तो अभी फ़िलहाल आप कमेंट करके बताइएगा कि ये एल्बम आपको कैसा लगा हाँ, कैसा लगा ऐसे दो एल्बम और है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं इसी जैकेट के साथ <laughs> तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दर्शकगण प्लीज शेयर करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग बाय